द टॉपिक इज वी आर कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप. संतोष तुम लोग को याद है पार्टनरशिप क्या था अनमोल? पार्टनरशिप का एक एक्ट आया था, वो एक्ट किस साल निकला था याद है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. यस और नो सर? इस एक्ट में लिखा था पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यस और नो? तुमने पढ़ा था ये चीज? पार्टनरशिप एक रिश्ता है कितने जन के बीच में? कम से कम दो जन. दो से ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर कम से कम एक अकेला आदमी क्या पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है? क्या खुद से करेगा क्या पार्टनरशिप? खुद उठेगा मिरर में अपने आप को देखेगा, चल भाई आज बिजनेस स्टार्ट करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. पार्टनरशिप में कम से कम कितना जन चाहिए तेरे को? दो. और वो लोग क्या करते हैं? आपस में प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं, बांटते हैं. यस और नो? लेकिन मैंने चीज और बताया था, हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का क्या है? एजेंट. वेरी गुड, एजेंट है. यानी अगर मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर है, अगर ए नहीं है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी और सी जो है वो लोग उसके एब्सेंस में काम कर सकता है, उसको बोलते हैं एजेंसी. क्या बोलते हैं? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर पार्टनर को बेटा बिजनेस में प्रेजेंट होना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं. उसके बाद मैंने तुम लोगों को छह पॉइंट बताए थे, याद करो. छह ही पॉइंट था ना पार्टनरशिप का, फीचर्स था पार्टनरशिप का. सबसे पहला पॉइंट क्या था याद है तुम लोग को? मेरे को तो याद है. वेरी गुड, मैं एक बार खाली गो थ्रू करा दे रहा हूँ. अग्रीमेंट, क्या अग्रीमेंट रिटर्न जरूरी है का? कोई जरूरी नहीं है. अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटर्न होता है उसको कुछ नाम से बोला जाता है, तो अग्रीमेंट बेटा ओरल भी हो सकता है. और अच्छा रिटर्न होना चाहिए ना, उसका फायदा क्या मिलेगा? आगे जाके झगड़ा नहीं होगा. किसमें? पार्टनर्स में. सब तो लिखित है, देख देख अंधा देख, तूने लिखा था कि तू इससे ज्यादा पैसा नहीं लेगा, है ना. रिटर्न है तो तेरे पास प्रूफ है, ओरल का कोई प्रूफ नहीं है. कल को तुम्हारे अब्बू ने तुमसे कोई वादा किया, वो बोले अरे हम ऐसा कब बोले, हो सकता है. तो ओरल का कोई प्रूफ, प्रूफ हमेशा किसका रहता है? नेक्स्ट पॉइंट सर क्या था याद है? कम से कम आपको दो या दो से ज्यादा जन तो चाहिए. कौन से बिजनेस के लिए बेटा? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए. पॉइंट नंबर थ्री याद है क्या था? देखो मेरे पास कोई बुक नहीं, मेरे दिमाग में सब है छह का छह पॉइंट, मैंने तुम लोग को पढ़ाने से बुक ही नहीं खोला है. मेरे को जब याद है तुम लोग को याद होना ही चाहिए, राइट. क्या पॉइंट है बेटा? तुम बिजनेस तो कर रहे हैं, मगर याद है मैंने बोला था चरस गांजा का बिजनेस नहीं चलेगा. वो बिजनेस तो है मगर लॉफुल नहीं है, वो इलीगल है. क्या है संतोष? तो बिजनेस होना चाहिए और वो लॉफुल होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? तब जाके वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ नंबर तुम लोगों को याद है क्या? आपका मोटिव क्या होना चाहिए सर? कोई भी बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं खोलता है. आपका मोटिव क्या होगा हमेशा सर? प्रॉफिट मोटिव, तभी जाके वो पार्टनरशिप कहलाएगा. ये चौथा पॉइंट था. एक पॉइंट और था सर, लास्ट वाला तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, म्यूचुअल एजेंसी था ना. फिफ्थ वाला बताओ बेटा. वेरी गुड, शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए. ये छह पॉइंट होगा बेटा, तब जाके एक अच्छा पार्टनरशिप बनेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या क्या पॉइंट है वापस बोल दे एक बार जल्दी से, बिना देखे बोल दो ना. अग्रीमेंट है बेटा, टू और मोर पर्सन है, लॉफुल बिजनेस है, उसके बाद प्रॉफिट मोटिव है, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और लास्ट क्या है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी. हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का क्या है? म्यूचुअल एजेंट है. क्या है? चलो अब हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. बहुत सारा फीचर्स ऑलरेडी हम लोग का कवर हो चुका है, तो वो तुम लोग एक बार खाली पॉइंट वापस लिख लेना. अच्छा मैंने इस छह पॉइंट का तुम लोग को नाम शायद एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप लिखा होगा, देखो तो एक बार. फीचर्स नहीं लिखा होगा, एलिमेंट्स बोला होगा कि ये सब होना चाहिए. पॉइंट का नाम एलिमेंट्स होगा, देखो अगर आप लोग कॉपी मेंटेन किए मेरा, तो पॉइंट का नाम एलिमेंट्स होगा. क्या होगा सर? एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स होगा. सेकंड में छुआ, ठीक है, एलिमेंट्स होगा. चलो सौरभ लास्ट क्लास किया था पार्टनरशिप सोल पार्टनरशिप. चलो फीचर्स ऑफ बिजनेस, हाँ फीचर्स ऑफ विच बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस. चलो पहला फीचर है सर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है. क्या बोलो तो? इसको बताने का जरूरत नहीं है, एक अग्रीमेंट होना चाहिए. जरूरी है क्या ओरल हो या रिटर्न हो, बट एडवाइजेबल क्या है? रिटर्न होना चाहिए. सेम टू सेम चीज है अग्रीमेंट. पहले एलिमेंट्स पढ़े थे, अब फीचर्स पढ़ रहे हैं. नंबर टू बेटा, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या लिख लो फटाफट? लीगल बिजनेस. बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? खुशी टेम्परेचर 18 कर दोगे रिमोट खोज के? लीगल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए? आगे मेरे को दिख नहीं रहा, मगर रिमोट दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को? पीछे दे दो तो, कर दो तो खुशी, रिमोट चला गया आपके पास, कर दो तो 18.
चलो डन। पॉइंट नंबर थ्री भी बेटा ऑलरेडी हो चुका हम लोग का, प्रॉफिट मोटिव, यस और नो? पॉइंट नंबर थ्री बेटा प्रॉफिट मोटिव, अभी तक कुछ नया नहीं आया फीचर में, जो ऑलरेडी पढ़े वही आया, यस और नो? पॉइंट नंबर फोर, अब ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ पर्संस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पर्सन बताओ तो मिनिमम कितना लोग हो सकता है, कम से कम कितना चाहिए, और मैक्सिमम 100, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 और 50, पार्टनरशिप 2 और 100, पार्टनरशिप एक्ट तो फिर भी बोलता है मैक्सिमम 50 होना चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि 100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो अभी अपने कंपनीज एक्ट फॉलो करते हैं, स्कूल में हो सकता है टीचर बोलेगा 50, सुन लो क्या बोला, टीचर से सवाल करना, लेकिन मैम कंपनीज एक्ट में तो लिखा है कि 100 हो सकता है, तो देखना टीचर क्या जवाब देता है, ठीक है? टीचर अगर बोले, इसका तो टीचर दो ही बोलेगा, इसका तो दो ही बोलेगा, कम से कम कितना लोग चाहिए, मगर मैक्सिमम में टीचर दो बात बोलेगा, या तो 50 या फिर दोनों बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली अगर 50 बोलेगा तो मैम को, मैम हमारे ट्यूशन सर ने तो बोला कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना हो सकता है, 100, तो ये बात उठा देना, टीचर अगर खड़ूस ना हो तो, समझा, वरना उससे तुम्हारी जाति दुश्मनी हो जाएगी, टीचर्स को लगता है बच्चे में गलत साबित कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2, मैक्सिमम 100। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्या बोला? किसी को इसका मतलब याद है? एनीवन? क्या है? वही है ना, तो एग्जाम्पल संतोष कुछ बता सकता है? थोड़ा धीरे प्लीज, लास्ट बेंच। टीवी, फर्नीचर, अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, वो आदमी अगर मेरा बिजनेस एसेट से पैसा नहीं निकलवा पा रहा है अपना, तो मेरा कहाँ घुस जाएगा? घर, मेरा टीवी, मेरा फ्रिज, मेरा सब कुछ बेच देगा, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ मेरा चला जाएगा, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। क्या बोला? एग्जाम्पल समझते, ये पांचों जो है, ये पांचों, इन पांचों ने मेरे को 1,00,000 रुपया उधार दिया, कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। चलो एक काम करता, मैंने इन लोग को उधार दिया, कितना रुपया? 1,00,000। मैंने इनको सामान दिया, कितना का? 1,00,000 का। ये लोग बोली सर हमारे पास पैसा नहीं है, सर जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए, और सच में इनके बिजनेस में पैसा नहीं था। मेरा सवाल है, क्या मैं इसके घर जा सकता हूँ, इसका एसेट बेच सकता हूँ, क्या इसका एसेट बेच सकता हूँ, पर्सनल एसेट उसका, उसका मतलब मैं हर घर, हर पार्टनर के घर में जा सकता हूँ और सबका एसेट बेच सकता हूँ, जब तक मेरा कितना रुपया ना निकले, तो हर पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि 5 में से 3 का, नहीं, सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अगर कोई आदमी किसी पार्टनर्स को लोन देता है ना, तो वो आदमी जा सकता है उनके घर और पार्टनर से उनका एसेट्स बेच के अपना पैसा निकलवा सकता है, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही जन है, उसके घर घुस जाएगा, मगर पार्टनरशिप में किसके घर घुस सकता है? सबके घर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें भी है और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, नंबर 6, कैपिटल। कैपिटल क्या ऐसा जरूरी है क्या कि कैपिटल सब इक्वल लगाएगा? कैपिटल मतलब पता है ना क्या होता है, जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो स्टार्ट करने के लिए, क्या जरूरी है कैपिटल सब इक्वल लगाएगा? मान लो मैं और मान लो पीछे खुशी और रिशिता बैठी है, हम लोग तीनों पार्टनर है, तो क्या कोई जरूरी कि मैं अगर 1,00,000 लगाऊंगा वो लोग भी 1,00,000 रुपया लगाएगा? ऐसा कोई जरूरी? कोई कम लगा सकता है, कोई ज्यादा? अच्छा, क्या ऐसा जरूरी कि सबको लगाना पड़ेगा? क्या जरूरी है ऐसा, या फिर एक जन नहीं लगाएगा तो भी चलेगा? क्या लगता है, मान लो मैं खुशी रिशिता पार्टनर है, तो क्या जरूरी कि मेरे को कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा? ऐसा जरूरी है क्या? वो आपके पार्टनर भी, तुम बोलेगा अगर जीरो कैपिटल हो तो भी चल सकता है तुम्हारे हिसाब से? अच्छा, द आंसर इज हाँ, चल सकता। क्या बोला मैंने? बहुत कॉमन से समझो, देश कोई जरूरी है कि सबको लगाना पड़े। मान लो मोहित सर, मान लो अनमोल, संतोष और मान लो शफक, हम लोग चारों पार्टनर है, ठीक है? तुम लोग को स्क्रीन देख के समझ में आ जाएगा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है चारों में, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? तुम्हें तो अभी नादान परिंदा है जो खिल रहा है, कली है, मैं तो खिल चुका हूं ना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? लेकिन अपना जो अनमोल है वो बहुत पैसे वाला है, अनमोल बहुत, तो यार मेरे पास बुद्धि तो है मगर मैं थोड़ा गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। अपना अनमोल बहुत पैसे वाला है और अपना संतोष भी कुछ कम नहीं है, और शफक का तो हाय तौबा, दुनिया भर का पैसा उसके पास, ठीक है? तो ये तीनों बहुत अमीर है,
लेकिन लोग बुद्धि नहीं है, बुद्धि सारा किसके पास है? ये लोग बोला सर सुनिए ना, आपके पास बुद्धि है, हमारे पास पैसा है, चलिए एक बिजनेस किया जाए सर, हम आपको पैसा देते हैं, हम आपको, और आप उसमें बुद्धि लगाकर बिजनेस को बढ़ाइए। हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैंने पैसा लगाया? मैंने क्या लगाया? पैसा की जगह अपना दिमाग। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई पार्टनर पैसा नहीं भी लगाएगा तो भी वो पार्टनर बन सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कैपिटल में क्या बोलने वाला हूं सर, कैपिटल सब लगाए या ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, मगर थोड़ा बहुत कैपिटल होना जरूर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें थोड़ा लिख लो, तो लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी डैट, इट इज नॉट नेसेसरी डैट, इट इज नॉट नेसेसरी डैट ऑल द पार्टनर्स। तुम लोग अगर हो गया ना, सुनो ना खुशी, पीछे से सॉल्यूशन ले सकता, इट इज नॉट नेसेसरी डैट ऑल द पार्टनर्स विल प्रोवाइड इक्वल कैपिटल। इट इज नॉट नेसेसरी डैट ऑल, 7 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी डैट ऑल द पार्टनर्स विल प्रोवाइड इक्वल कैपिटल। लिखा फुल स्टॉप। अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर इवन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कैपिटल, इवन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कैपिटल। तो एक पर्सन बिना कैपिटल के भी पार्टनर बन सकता है, क्लियर? ये बात हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल जरूरी नहीं है सब लगाए, क्लियर? पॉइंट नंबर सेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर सेवन स्टेबिलिटी, लिखा गया स्टेबिलिटी मतलब समझो ध्यान से, हो गया आंसर आ गया ना तुम लोग का? एक बार में आ गया, बाय बाय। चलो स्टेबिलिटी मतलब समझ रहे क्या है? बिजनेस कितना स्टेबल है, कितना टिका हुआ है। तुम लोग 10 का 10 पार्टनर है, हो सकता है 10 पार्टनर एक पार्टनरशिप बिजनेस में, पहले बताओ तो हाँ या ना, क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम दो, मैक्सिमम 100। यस और नो? तुमने तो बीच का ही है, बीच का मतलब 2 और 100 के बीच में आता है तुम, यस और नो? वैसे बीच का है तो 2 और 100 के बीच में कितना हो गया? तुम लोग सब पार्टनर है, मान लो ये दोनों बिजनेस छोड़ दे, तुम लोग उसको धोखा दिया तो ये लोग निकल गए, तो अब पता है बहुत झमेला है, फिर से नया अग्रीमेंट बनाओ, फिर से इन लोगों को हिसाब क्लियर करो। तो अगर कोई पार्टनर छोड़ देता है ना बेटा, बहुत झमेला हो जाता है, यस और नो? वापस से नया अग्रीमेंट बनेगा, वापस से नया डॉक्यूमेंट्स बनेगा, फिर वापस से नया पार्टनर्स के बीच में नया रेशियो डिसाइड होगा कौन कितना प्रॉफिट लेगा। तो ये बहुत स्टेबल ज्यादा नहीं है, सोल प्रोवाइडर भी स्टेबल नहीं है। याद करो जब जिस दिन आदमी मर गया बिजनेस, और ये भी ऐसा ही है, कोई पार्टनर अगर छोड़ दिया ना बेटा तो बिजनेस बहुत अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन। लेकिन हाँ, सोल प्रोवाइडरशिप ज्यादा सर्टेन है, बट पार्टनरशिप थोड़ा अनसर्टेन है, यस और नो? सबसे ज्यादा अनसर्टेन सोल प्रोवाइडर है, क्योंकि वो जिस दिन मर गया बिजनेस ही क्या हो जाएगा। बट ये दोनों जिन्हें छोड़ देगी ना, बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलाएगा। कौन चलाएगा? जो बाकी का लोग है वो लोग चलाएगा, बट फिर भी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे कम स्टेबल कौन सा है? सबसे कम, उससे ज्यादा स्टेबल क्या है? और उससे भी ज्यादा स्टेबल पड़ेंगे कल कंपनी। क्या बोला? कंपनी। ध्रुव अंबानी का नाम सुना है? कौन था? नहीं सुना। मुकेश अंबानी का नाम सुना है? उसके पिताजी का नाम था धीरू भाई अंबानी, वो मर गए, लेकिन क्या रिलायंस आज बंद हो गया? नहीं। धीरू भाई अंबानी का बेटा कौन है? अभी चला रहे तो मुकेश अंबानी, भगवान ना करे, पर जिस दिन मर जाएगा क्या रिलायंस बंद हो जाएगा? कौन चलाएगा? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, वो लोग जिस दिन मर जाएगा उनका बेटा चलाएगा। कंपनी हमेशा चलता जाता है, कभी बंद, लेकिन बेटा सोल प्रोवाइडर ऑफ पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिख लो, इट इज नॉट स्टेबल मच, इट इज नॉट मच स्टेबल, लिख लो दो लाइन, इट इज नॉट मच स्टेबल, इट इज नॉट मच स्टेबल बिकॉज, इट इज नॉट मच स्टेबल बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर? कितना पॉइंट हो गया? काफी है साथ। अब नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग दो बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
कितना तरह का पार्टनरशिप होता है, ऐसा चार्ट बना लो एक ठो, एक ऐसा चार्ट बना लो, ठीक है, एक ऐसा चार्ट बना लो, उसमें 6 कॉलम निकाल लेना, कितना कॉलम, सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप एट विल, सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप एट विल पहले वाले में, दूसरे वाले लिखना बेटा स्पेशल पार्टनरशिप, क्या बोला, स्पेशल पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, ठीक है, इसका एक नाम और है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्या बोला, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसके बाद एक और लिखो, इसके बाद एक और लिखो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, नंबर 3 रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, नंबर 3 रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, नंबर 4 अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, क्या बोला, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप लिखा गया, नंबर 5 लिखो जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, और लास्ट नंबर 6 लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप लिखा गया, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, चलो डन, सुनो ध्यान से, ओए बातचीत नहीं, गेट बंद करो, पूरा गेट पूरा बंद करो, बातचीत मत करो, चलो सबसे पहले क्या बोला मैंने, ये है क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन का मतलब, कितना तरह का बिजनेस होता है पार्टनरशिप बिजनेस, टोटल कितना तरह का, मेरे को तो नाम भी याद है, जनरल पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, या उसका दूसरा नाम क्या है सर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसके अलावा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, याद हो गया, मतलब समझे सर, इनका मतलब समझो क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप एट विल का, क्या आज कितना तारीख है, आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज 15 मई हो गया, चल आज उसके बाद 10 दिन बाद 25 मई आएगा बिजनेस बंद, फिर 27 मई को वापस कर लिए, फिर 2 दिन बाद वापस बंद कर दिए 29 तारीख को, फिर 1 जून को वापस खोल लिए, 4 जून को वापस क्या कर दिए, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, जब बिजनेस बंद किया स्टार्ट किया, जब मन किया बिजनेस बंद, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, क्या बोलते हैं, विल का मतलब समझा, अपनी मर्जी पे, जब मन चाहे स्टार्ट, जब मन चाहे, तुम घर में भी तो यही करता है, जब मन चाहे पढ़ता है, जब मन चाहे टीवी देखता है, जब मन चाहे खाता है, जब मन चाहे इंस्टाग्राम चलाता है, ये सुनो, उसको बोलते हैं विल, जो तुम्हारी मर्जी के अनुसार हो रहा है, क्या हो रहा है, विल मतलब होता है बेटा मेरी इच्छा अनुसार, क्या अनुसार, तो पार्टनरशिप अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हो, जब मन चाहे बंद किया, जब मन चाहे खोला, उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया, पार्टनरशिप एट विल का मतलब वापस बोलो, क्या बोला, जब पार्टनर्स का मन किया बिजनेस स्टार्ट किया, जब मन चाहे बिजनेस क्या कर दिया, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, क्लियर, नंबर 2 क्या बोला, स्पेशल पार्टनरशिप, या दूसरा नाम क्या है इसका, पीछे का जो 5वां लड़का लोग है ना, ये लोग पार्टनरशिप में घुसा, किस में घुसा, किस लिए घुसा पता है, चल एक काम करते अपने रोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रोड बनाने में 2 साल लगेगा, कितना साल, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये लोग पार्टनर है, क्या बना रहा है, सिपुर बाजार से लेकर हावड़ा मैदान का रोड ठीक कर रहे हैं लोग, जिस दिन रोड बनेगा और बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन का पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म, बनाना जिस दिन चालू हुआ उस दिन से पार्टनर, और जिस दिन से रोड बन के तैयार हो गया, पार्टनरशिप भी क्या हो गया बेटा, तो ये पार्टनरशिप एक पर्पस के लिए फॉर्म होता है, किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, जिस दिन वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया ना, शफीका शादी का, जिस दिन वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया ना, उस दिन पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा सर, खत्म, ये विल के हिसाब से नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से, तेरा ऑब्जेक्ट पूरा, पार्टनरशिप खत्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फिर उसके बाद हो सकता है कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो जब तक फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक पार्टनरशिप चलेगा, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, पार्टनरशिप एट विल अपनी मर्जी पे, जब मन चाहे किया, जब मन चाहे बंद किया, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं है, इसमें एक प्रोजेक्ट है यार, जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तेरा बिजनेस चलेगा, प्रोजेक्ट बन तो कर, गेटिंग माय पॉइंट, कितना पार्टनरशिप हो गया, तीसरा चौथा क्या लिखा है देखो, तो क्या बोला, जोर से बोलो, रजिस्टर्ड, और पहला बात एक चीज कान खोल के सुन लो, अगर एग्जाम में आए कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, द आंसर इज कोई जरूरी नहीं है, पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर, तो अगर पार्टनर्स रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना,
तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाता है। अगर पार्टनर्स बोलते हैं नहीं यार इतना छोटा तो बिजनेस है क्या रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराते उसको क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड। चारों समझा? इफ द पार्टनर्स गेट देयर बिजनेस रजिस्टर्ड इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड, इफ द पार्टनर्स डू नॉट गेट देयर बिजनेस रजिस्टर्ड इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल सर। जब मन चाहे स्टार्ट, जब मन चाहे बंद। पार्टनरशिप स्पेशल हो गया या पर्टिकुलर हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर वो पूरा हो गया तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा, खत्म। रजिस्टर्ड अगर पार्टनर्स अपने आपको रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, अगर वो अपने आपको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो अनरजिस्टर्ड। चारों याद हो गया सर, हिंदी में समझ में आ रहा है? ठीक है। पांचवा क्या बोला, क्या बोला? बहुत ईजी सा चीज है। मेरा और सौरभ का आज से 20 साल से बिजनेस चल रहा है, हम लोग पार्टनर है, कोई इरादा नहीं है बंद करने का। अच्छा खासा कपड़ा बिकता है, हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं। तो बेटा जिसका कोई इरादा नहीं है, जो नॉर्मल बिजनेस होता है ना पार्टनरशिप, उसी को बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? तुम अगर किसी को कोई बोलेगा ना हम दोनों पार्टनर में है, तो वो जनरल पार्टनरशिप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो हमेशा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हम लोग बाजार में देखते हैं ना वो पार्टनरशिप कौन सा पार्टनरशिप है? जनरल पार्टनरशिप है। समझा? वो विल के हिसाब से भी नहीं है और स्पेशल पार्टनरशिप भी नहीं। तो जनरल पार्टनरशिप जो हम लोग जनरली देखते हैं उसको कौन सा बोलते हैं बेटा? जनरल पार्टनरशिप। मान लो इसके पापा पार्टनर है और इनको ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि विल के हिसाब से चलाना है, नहीं, तो उनका कौन सा पार्टनरशिप हो गया? जनरल पार्टनरशिप। समझा मेरा बात? कितना हो गया बेटा? पांच। माही पांचों में से कोई भी दो को हिंदी में समझा दोगे, पार्टनरशिप एट विल को समझा दोगे हिंदी में? बोलो क्या होता है? करेंगे नहीं तो बंद विल। और एक कोई समझा दो। तो वो रजिस्टर्ड हो गया, अगर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो अनरजिस्टर्ड हो गया। यस और नो? और एक स्पेशल कोई समझा पाएगा? स्पेशल संतोष, स्पेशल पार्टनरशिप भी पूरा हो जाएगा, वो हो गया स्पेशल। और क्योंकि जनरल पार्टनरशिप अनमोल समझा पाएगा जनरल पार्टनरशिप? अरे जनरल क्या होता है जनरल? रेहान क्या चल रहा है मेरा तुम्हारा? ऐसा मत बोलो यार, बाप रे, शादी वादी अभी तक नहीं हुआ मेरा, ऐसा बोल देगा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, आपका और मेरा चल रहा है, क्या बोलता है रे भाई? ठीक है, बोलो सर आपका मेरा पार्टनरशिप चल रहा है, ऐसा बोलो, बदनाम कर देगा यार। हाँ, नॉर्मल जो पार्टनरशिप बिजनेस चलता है ना उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या बोला? ये लास्ट है, छह तरह का। ठीक है, लिमिटेड क्या होता है? सुनो, मैंने एक पॉइंट लिखाया था, ये बहुत डेंजर पॉइंट था, याद है ना? खतरा वाला पॉइंट है। क्या? पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है पार्टनर तो उसके घर में घुस जाएगा, उसका सामान वामान लेके भाग जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ने सकेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कौन सा पार्टनरशिप है सर? लिमिटेड। इसका मतलब उसमें पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है सर, स्पेशल आया है, ये स्पेशल आया, इसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें पार्टनर्स का बेटा लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है, मतलब उनका घर का एसेट लायबल ये सब में नहीं होता है। अगर आपका पार्टनरशिप का नाम है ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तब ये है, वरना आपका जनरल पार्टनरशिप है। इसमें जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है? बट बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मोहित LLP है, क्या बोल रहा हूँ? मोहित LLP मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो मेरे जितने पार्टनर्स हैं ना उन सबका लायबिलिटी भी क्या रहेगा? लिमिटेड रहेगा। अदरवाइज पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड। मगर आपका LLP है, LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी, तो इसमें आपका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये छह तरह का पार्टनरशिप होता है, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रह जाता है। बहुत अच्छा चीज है, इसका मतलब पार्टनर्स आराम से रात भर सो सकता है, वो उनके घर में आके कब्जा नहीं करेगा ना उनका सामान बेचेगा। समझा? कितना तरह का पार्टनरशिप हुआ सर? छह तरह का। क्लियर हो गया? एक बार वापस पूछने का जरूरत नहीं, आई थिंक सो। हो गया, खाली नाम एक बार बोल लेते हैं विल। चलो एक एक करके, पहला नाम सौरभ, दूसरा नाम जोया। अच्छा अब जोया टाइगर वाले, टाइगर जिंदा वाली जोया तो नहीं है ना कहीं? ठीक है, हाँ। थर्ड नंबर, अच्छा आपने बोला, फिफ्थ बोल दो संतोष। रजिस्टर्ड के बाद अनरजिस्टर्ड, एक और बोल दो, और एक बोल दो, और एक बोल दो, सब तो हो गया सर, कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये देखो अभी जो मैंने पढ़ा है ना वो टाइप्स ऑफ पार्टनर था ना, पार्टनरशिप था, शिप था, कितने तरह का पार्टनरशिप होता है। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हेडिंग दो बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब अपने पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे कि कितने तरह के बेटा बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले बेटा लिखो एक्टिव पार्टनर। क्या लिखोगे? एक्टिव पार्टनर।
क्या बोला मैंने, एक्टिव पार्टनर लिखा। सुनो बहुत गहराई से आंसर समझना पड़ेगा, बहुत इजी। एक्टिव पार्टनर कौन है सर? एक तो ये पैसा लगाएगा और प्लस रोज बेटा मेहनत करेगा। क्या करेगा? हिंदी पढ़ना में आता है क्या तुम लोगों को? नहीं ना। कैपिटल लगाएगा प्लस क्या करेगा? मेहनत। रोज आएगा सुबह 10 बजे और रात को 7 बजे तक काम करेगा, तो उसको बोलते हैं कौन सा पार्टनर? ये कैपिटल भी लगाएगा मेहनत भी करेगा, तब जाके वो कौन सा पार्टनर बनेगा। ये दोनों चीज होना चाहिए, कैपिटल भी लगाना पड़ेगा और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिवली मतलब रोज आएगा, काम करेगा और फिर घर जाएगा, उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं। तो इसमें दो क्वालिटी हो गई, एक कैपिटल लगाना पड़ेगा प्लस उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या पार्टिसिपेट बेटा? एक्टिवली मतलब रोज आएगा मेहनत करेगा, उसको बोलते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट, तब जाके वो कौन सा पार्टनर बनेगा? एक्टिव पार्टनर बनेगा। दो चीज समझा, कैपिटल और एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा उसका, तब जाके वो कौन सा पार्टनर बनेगा सर। लेकिन बेटा दूसरा पार्टनर है वर्किंग पार्टनर। क्या बोला मैंने? वर्किंग पार्टनर। क्या बोला सर? वर्किंग पार्टनर। सर ये जो वर्किंग पार्टनर है ना, ये कैपिटल नहीं लगाएगा। वर्किंग पार्टनर कैपिटल, तो सर खाली ये बेटा खाली एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये खाली मेहनत करेगा, पैसा नहीं लगाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? दोनों में डिफरेंस समझा? डिफरेंस समझा? जो एक्टिव पार्टनर होता है वो कैपिटल लगाता है, मेहनत करता है। जो वर्किंग पार्टनर होता है वो नहीं लगाता है, खाली क्या करता है? मेहनत करता है, काम करता है। दोनों समझा? एक हो गया एक्टिव पार्टनर और एक हो गया वर्किंग। कौन कैपिटल नहीं लगाएगा? वर्किंग। कौन लगाएगा? कौन मेहनत नहीं करेगा? दत्त मेहनत दोनों ही करेगा, मेहनत दोनों ही करेगा, खाली कैपिटल में चेंज है। समझा? मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, खाली एक जन कैपिटल लगाएगा और एक जन कैपिटल मेहनत दोनों ही करेगा ना माही। नंबर थ्री आ जाओ। नंबर थ्री डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर सर ये क्या करता है? ये कैपिटल लगाता है। क्या बोला? ये कैपिटल लगाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन नो पार्टिसिपेशन, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आएगा ही नहीं बिजनेस में। ये खाली पैसा लगा के छोड़ दिया, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या उसको घंटा फर्क पड़ता है। ये कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर। ये कौन है? मेरे एग्जाम्पल में मैं बुद्धिमान था, और अगर ये तीनों जन, याद है कौन कौन तीनों जन? ये वाले अनमोल, संतोष और ये लोग कैपिटल लगा दिया, मगर इनको फर्क नहीं पड़ता, ये लोग घर में ही रहता है, तो ये लोग कौन सा पार्टनर हो जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो अगर कोई पार्टनर खाली पैसा लगा दिया मगर बिजनेस में आता ही नहीं है, तो उसको कौन सा पार्टनर बोलेंगे? तीनों में कुछ ना कुछ फर्क दिख रहा है, एक्टिव में कैपिटल भी लगाएगा और काम भी, स्लीप उसके बाद तुम्हारा, वर्किंग में कैपिटल नहीं लगाएगा मगर, और डोरमेंट में बेटा कैपिटल तो लगाएगा मगर। तो थर्ड वाले में कोई काम नहीं कर रहा मगर फर्स्ट और सेकंड में काम कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड में जो फर्क आ रहा है वो खाली किसको लेके आ रहा है? कैपिटल को। और थर्ड में बेटा काम को लेके आ रहा है। ये सुनो, कैपिटल तो लगा रहा है मगर काम नहीं कर रहा है, उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं? डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। याद हो जाएगा ना तुम लोग को सब, दिमाग में तुम इमेज बना लो। क्या बना लो? इमेज। चलो पॉइंट नंबर फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, नॉमिनल पार्टनर। क्या बोला? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर लिखा क्या? नॉमिनल पार्टनर। इसका पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या देता हूं सर? तब जाके तुम लोग को समझ में आएगा कि तुम लोग फिर उसका जवाब खुद दे पाएगा। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो माही का, मान लो सौरभ का, और मान लो जोया का, इनका बिजनेस चल रहा है। क्या चल रहा है? ये लोग पता है क्या बेचता है? ये लोग बेचता है धोती कुर्ता गम और टावेल वावेल बेचता है लोग, ठीक है। तो लो बेटा धोती वोती बेचता है, कुर्ता उर्ता बेचता है, ठीक है, समझा। लेकिन लगा बिजनेस चल नहीं रहा है। क्या बोले? लोगों बिजनेस लॉस ही लॉस हो रहा है। अब ये लोग पता है किसके पास गया? ये लोग गया मान लो अरूप राय को जानता है तुम लोग? हाँ, कौन है? थोड़ा बड़ा आदमी है ना, एमएलए है अरूप राय। ये लोग गया अरूप राय के पास। किसके पास? बोले अरूप राय जी सुनिए ना, आपका तो हमारे हावड़ा में, हमारे एरिया में बहुत नाम है, आपका तो हमारे एरिया में, तो आप एक काम कीजिए ना सर, आप हमें अपना नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आप हमें अपना नाम दे दीजिए, हम पूरे दुनिया को, हम पूरे हावड़ा को दिखाएंगे कि अरूप राय भी हमारे पार्टनर है। क्या बोला मैंने? तो अब जब लोगों को पता चलेगा कि अरूप राय भी पार्टनर है, ये लोग का गुडविल बढ़ जाएगा,
बिजनेस का इज्जत बढ़ जाएगा, यस और नो? अब इन लोगों का सेल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, तो इन लोगों का प्रॉफिट आने लगेगा। तो क्या अरूप राय ऐसे कोई पार्टनर है? नहीं, अरूप राय ने खाली अपना नाम दे दिया। क्या दे दिया? उस नाम का मजा कौन ले रहा है? सौरभ ले रहा है, माही ले रही है और जोया ले रही है, यस और नो? एक्चुअली में अरूप राय का कोई काम नहीं है, अरूप राय ने खाली अपना क्या दे दिया, गुडविल दे दिया। क्या दे दिया बेटा? उस गुडविल का बेनिफिट कौन ले रहा है? सौरभ, जोया और माही। तुमको क्या लगता है अरूप राय अपना जो नाम दिया फ्री में दे दिया होगा? ये लोग 10-20 लाख का चेक काट के दिया होगा उसको, तब ना अरूप राय ने अपना क्या दे दिया उसको, गुडविल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अरूप राय भी पार्टनर बन गया। क्या बन गया? भले ही वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, मगर उसने अपना नाम दे दिया पूरी दुनिया के लिए। लोग अब तीन पार्टनर नहीं है, कितना पार्टनर है? चार, माही, जोया, सौरभ और मिस्टर अरूप राय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तुम लोग को मजा समझ में आया तो मैं तीन सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, क्या अरूप राय ने को कैपिटल लगाया? नहीं, नहीं? तो पहला, नॉमिनल पार्टनर को कैपिटल लगाना समझा। दूसरा, क्या नॉमिनल पार्टनर बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? नहीं। तो इसका भी आंसर समझ में आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक और लास्ट चीज, अगर सही बता दे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। मान लो सौरभ, जोया और माही ने मेरे से सामान खरीदा 1 करोड़ रुपया का। कितना का? मेरे से। लेकिन मेरे को तो ये भी लग रहा है कि ये लोग तीनों पार्टनर नहीं, एक जन और पार्टनर है। कौन? मेरे को थोड़ी पता है, वो आता है जाता नहीं। मेरे दिमाग में तो वो भी है कि वो भी काम करता है। ये लोग मेरे से खरीद लिया कितने का माल? 1 करोड़। ये लोग चुका नहीं पा रहे हैं। ये लोग, एक चीज बताओ, मैं जोया के घर जाके उसके एसेट बेच सकता हूँ? मैं जोया के घर जाके उसके एसेट बेच सकता हूँ? तो पर्सनल एसेट्स, सौरभ के घर, माही के घर, और क्या अरूप राय के घर जा सकता हूँ क्या? सोच के बताना, तुम्हारे दिल पे मत जाना, जो लॉजिक लगता है वो बोलना, दिल में मत जाना, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? नहीं, 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 हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, माही, नहीं, हाँ, द आंसर इज हाँ। क्यों बताओ? अरूप राय भी एक पार्टनर ही है। क्या बोला मैंने? भले वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? मैंने तो यही सोच के दिया होगा कि वो भी पार्टनर है। अगर वो अपना नाम नहीं लिखाता तो पार्टनर नहीं कहलाता, मगर उसने अपना नाम लिखा है, वो भी एक पार्टनर बन गया। क्या बन गया? तो उसका लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगा, मैं उसके घर भी चला जाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अरूप राय भी पार्टनर ही बन गया, तभी उसका एक नाम पड़ा है। कौन सा पार्टनर बेटा? तो इसका मतलब वो भले ही कैपिटल ना लगाए, वो भले बिजनेस में पार्टिसिपेट ना करे, मगर उसका लायबिलिटी भी बेटा अनलिमिटेड ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा तुम लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो भी कौन है? पार्टनर ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भले वो बड़ा आदमी है तो क्या हुआ यार, छोड़ दूंगा क्या उसको? मेरा पैसा डूब रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्ट में घसीट दूंगा उसको। समझा मेरा बात? क्लियर? कितना पॉइंट हो गया सर? चार। नॉमिनल सबसे इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल याद रखना, कोई कैपिटल नहीं लगाता है बेटा, कोई कैपिटल नहीं लगाता है, कोई कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। क्या रहता है? अनलिमिटेड। उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं सर? नॉमिनल पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला मैंने क्या बोला, कौन सा पार्टनर सर? जो कैपिटल भी लगाएगा और मेहनत भी करेगा। दूसरा, कैपिटल नहीं लगाएगा मगर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, भाई साहब, वो कौन सा पार्टनर हो गया? थर्ड पार्टनर क्या हो गया सर? सोता रहता है, खाली कैपिटल लगा के सो जाएगा। इन लोगों को टेंशन नहीं है, खाली कैपिटल लगा के संभालेगा कोई और, एक्टिव पार्टनर संभालेगा। कौन संभालेगा? इन्वेस्टर हो गया, लोग खाली पैसा लगाएगा, बाकी काम हो गया। फोर्थ नंबर कौन हो गया? जो पार्टनर्स को अपना गुडविल दे देता है। क्या देता है? कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई कैपिटल, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा पार्टनर बोलता है? नॉमिनल पार्टनर। क्लियर? नंबर फाइव, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, दोनों का मतलब एक ही होता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, इसका दोनों ही नाम है। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट दोनों ही नाम है, ठीक है? डन। ये क्या होता है, सुनो, चलो मान लेते हैं रेहान, मान लेते हैं आपका नाम शफक, और मान लेते हैं अनमोल, ये तीनों पार्टनर है, ठीक है? ये तीनों कौन है? पार्टनर है।
ठीक है, सुनना ध्यान से। इन लोगों को ऑफिस में सडनली एक दिन कौन आया पता है ना? कौन आया? कौन आया? शाहरुख खान। ठीक है ना, शाहरुख खान आया। कौन आया सर? और शाहरुख खान के साथ इन लोग का अच्छा टाई अप है, रेहान भाई भी जानता है, शफक भी जानती है अपने शाहरुख भाई को। तो शाहरुख भाई ऑफिस में आया और बैठा, चाय वाय पिया, कॉफी वॉफी पिया। तो अब सडनली मैं इन लोग को सामान सप्लाई करता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, इन लोग को कौन देता हूँ? सामान देता हूँ। मैंने, अरे शाहरुख भाई भी बैठा यहाँ पे, मेरे दिमाग में क्या गया पता, अरे शाहरुख भाई भी तो पार्टनर है, मेरे को ऐसा लगा। और मैंने शाहरुख खान को बोला, शाहरुख भाई आप भी पार्टनर है? शाहरुख बोला, तुमको नहीं पता क्या? ऐसे हाथ कर रहे शाहरुख भाई। मैंने बोला क्या बात है शाहरुख भाई, बोले नहीं मेरे को। तो शाहरुख भाई ने बोला, हाँ वो भी कौन है? पार्टनर। और जैसे मैंने सुना कि शाहरुख भाई कौन है यार, पार्टनर है। मैंने जो रोज लोग को 5-5 लाख का माल देता था ना, लोग को आज 5 करोड़ का माल दे दिया। क्या सोच के सर? शाहरुख भाई भी पार्टनर है, ये सोच के मैंने कितने का माल दे दिया? शाहरुख भाई ने खुद अग्री कर दिया कि वो कौन है सर? पार्टनर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो चाहते तो मना कर सकते थे ना कि नहीं यार देख भाई तेरा गलत फहमी है भाई, मैं कोई पार्टनर वार्टनर नहीं हूँ यार, मैं तो अपनी गौरी के साथ बिजी हूँ भाई। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो कौन है? पार्टनर। अब मैंने यही सोच के 5 करोड़ का माल दे दिया, क्लियर। मैं वहां से चला गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। मैंने बोला यार अभी लोग का पैसा आएगा आएगा आएगा, पैसा ही नहीं आ रहा है। रेहान मेरे को ब्लॉक कर दिया, शफक मेरा फोन नहीं उठाती है, अनमोल तो ऑफिस ही नहीं आ रहा है। फाइनली एक दिन रेहान फोन उठाया, मैंने बोला रेहान क्या हुआ यार, तूने मेरे से उधारी में माल लिया था 5 करोड़ का, पैसा वैसा दे दो भाई। रेहान बोला कौन सा 5 करोड़ वाले, तो है ही नहीं हम लोग के पास। मैंने बोला मजाक मत करिए यार, 5 करोड़ का सवाल है, मतलब नहीं देंगे, जा नहीं देंगे, मेरा नुकसान हो रहा है, ये लोग कोई नहीं दे रहा, मेरा सवाल है, मैं केस करूंगा तो इन तीनों पे तो करूंगा ही करूंगा, ये लोग तो लायबल होगा ही होगा, इन लोगों का पर्सनल एसेट भी लायबल होगा। माई क्वेश्चन गोज टू, क्या एसआरके का भी एसेट लायबल हो जाएगा? अपने दिल से मत सोचना, लॉजिकली सोचना, आंसर पता चल जाएगा। हाँ क्या होगा? नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा 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 होगा। द करेक्ट आंसर इज होगा। बस मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा खाली, अगर मैं प्रूफ कर दूं, लेकिन वो तो ओरली ओरल, बस प्रूफ का कंटेंट है, कहीं कैमरा हो, सीसीटीवी हो, वो प्रूफ का है। तो इसको बोलते हैं एक पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग। और ये पार्टनर को, यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया, पार्टनर ने खुद को होल्ड किया ना कि वो कौन है, कौन है वो पार्टनर? एसआरके। क्या बोला मैंने? एसआरके। तो पार्टनर खुद को होल्ड कर दिया कि वो कौन है? पार्टनर है। उसने खुद को स्टॉप किया, रोका खुद को कि वो पार्टनर नहीं है ना, वो ना खुद को रोका और खुद को होल्ड कर दिया वो कि वो कौन है सर। तो उस पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर आउट या होल्ड, पार्टनर बाय स्टॉपर या होल्डिंग आउट, और वो भी लायबल हो जाएगा। बट प्रूफ लेकिन मेरे को कोर्ट में करना पड़ेगा कि देखो एसआरके आया था और एसआरके यहाँ के बैठा है। अब हो सकता है मैं कोर्ट को बोलूं सर इतने तो इसका टिकट चेक कीजिए सर, फ्लाइट का देखिए, वो कोलकाता आया था, वो मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। बट अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ ना बेटा, 5 करोड़ रुपया जो है वो मेरे को मिल जाएगा, सबसे मिलेगा। वो लोग का आपस का मैटर कैसे मिलेगा, बट मेरे को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो इसका एक लाइन है, देखो मैं इसको एकदम अच्छा समझा रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ना। व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ एक पर्सन बाय हिज कंडक्ट, वो पर्सन शाहरुख खान है, उसने अपने कंडक्ट से, कंडक्ट मतलब अपने बर्ताव से, मेक्स अ थर्ड पार्टी बिलीव, अपने बर्ताव से तीसरे इंसान को ऐसा विश्वास दिलाया। वो तीसरा इंसान कौन था? मेरे को ना विश्वास दिलाया। तो वेन अ पर्सन बाय हिज कंडक्ट, अपने बर्ताव से किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसा विश्वास दिलाया कि वो पार्टनर है, दैट ही इज अ पार्टनर, व्हाइल एक्चुअली इज नॉट अ पार्टनर। क्या एक्चुअली पार्टनर था? तो वापस बोलो, वेन अ पर्सन बाय हिज कंडक्ट बाय हिज मेक्स अ थर्ड पार्टी बिलीव, वो थर्ड पार्टी मैं था, मेरे को विश्वास दिलाया कि वो कौन है, बट इन एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर, ही विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी। लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? ही विल, ही कौन है? शाहरुख खान। ही विल बी लायबल, वो जिम्मेदारी लेगा, किसका लेगा? थर्ड पार्टी का। बाहर चला जाओ, तुम लोग बातचीत करेगा। ही विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी, वो लायबल होगा, किसको होगा सर? थर्ड पार्टी को लायबल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एनी अदर पार्टनर, तो वो लायबल होगा। कौन लायबल होगा सर? जो शाहरुख खान है उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं सर? पार्टनर बाय स्टॉपर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो वो कहलाएगा पार्टनर बाय स्टॉपर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझा? नॉमिनल पार्टनर अलग था, उसमें क्या था? एक आदमी अपना नाम दे रहा है। क्या दे रहा है? इसमें नाम नहीं दे रहा है, इसमें तो खुद बैठा और खुद बोल रहा है कि मैं कौन हूं। तो भैया जब तुम पार्टनर हो तो जिम्मेदारी लो और मेरे को अपना पैसा दो।
समझा मेरा बात? क्लियर? तुम एक लॉजिक सा चीज, ये सब छोड़ दो एक बात के लिए। मान लो ये बंदी मेरे से 100 रुपया लेके रखी है, कितना रुपया ये दे नहीं पा रही है, तो ये हाइका हाइका बोलती सर सुनिए ना, आप मेरे से ले लीजिएगा 100 रुपया, मैं दे दूंगी। अब एक बार ये बोल दी ना, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, किसको परेशान करूंगा? तुमने बोला क्यों? यस और नो? सेम चीज, अगर तुम बोल दिया तो लायबल तुम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे मिस्टर एसआरके ने बोल दिया था वो कौन है, तो वो लायबल हो जाएगा। समझा मेरा बात? क्लियर? क्लियर? तो ये कौन हो गया पार्टनर भाई? स्टॉपर या पार्टनर भाई? होल्डिंग आउट। कितना तरह हो गया सर? पहला कौन था सर? एक्टिव। दूसरा कौन था सर? वर्किंग। तीसरा कौन था सर? चौथा कौन था सर? पांचवा कौन था सर? पार्टनर बाई स्टॉपर या पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। बेटा नंबर सिक्स लिखो, माइनर पार्टनर। क्या बोला? माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता पता है तुम लोग को? पता ही नहीं होगा। छोटा कितना? छोटा अगर कोई 18 साल के नीचे का आदमी पार्टनर बनता है उसको बोलते हैं माइनर पार्टनर। क्या बोलते हैं? मेरा सवाल है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? पहले वो समझो तो ना, समझ है बेचारा। तुम लोग सब माइनर है ना? आई थिंक सो। कोई 18 से ऊपर है क्या? कोई नहीं है ना? माही 20 साल के हो क्या? क्या है 17 16 17? सब माइनर है। तुम लोग पार्टनर नहीं बन सकता है, जनरल रूल है। क्या है? लेकिन तुम लोग पार्टनर बन सकता है, खाली तुम लोग प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर। तो माइनर कैन बी अ पार्टनर बट ही विल ओनली एंजॉय क्या, बट ही विल नॉट बियर लॉस। वो लॉस बियर नहीं करेगा, वो खाली क्या बियर करेगा? ही विल नॉट बियर लॉस। वो खाली क्या एंजॉय करेगा सर? प्रॉफिट एंजॉय करेगा। क्या एंजॉय करेगा? जैसे मान लो मैं, जोया और शिफा पार्टनर है, हम लोग का डिसाइड हो गया आधा आधा पार्टनर, पूरा इक्वली बटेगा। मेरा 30,000 का फायदा हुआ बिजनेस में, कितना कितना बढ़ जाएगा बोलो तो? 10,000, 10,000 और 10,000 तीन जन में बटेगा तो। लेकिन सर अगले साल 30,000 का लॉस हो गया सर, अब पूरा का पूरा मैं ही बियर करूंगा, पूरा का पूरा। बेचारे बच्चे हैं वो लॉस बियर, तो माइनर कभी लॉस बियर नहीं करता। लॉस अगर हो गया मैं अकेला, मेजर जो वो बियर करेगा, मगर अगर प्रॉफिट होता है तो सबको मिलेगा। ये रूल है किसके लिए सर? माइनर के लिए। किसके लिए सर? समझा? माइनर विल नॉट बियर लॉस बट ही विल ओनली टेक मजा। क्या चीज का मजा? प्रॉफिट का मजा। समझा? उसको कौन सा पार्टनर बोलते सर? माइनर पार्टनर। कौन सा पार्टनर? नंबर 7, सीक्रेट पार्टनर। क्या बोला सर? सीक्रेट पार्टनर। वेन सीक्रेट पार्टनर लिख लो, पहले लिखा सीक्रेट पार्टनर, सुनो ध्यान से। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? मान लो अपना संतोष है, क्या होना है सर? संतोष। संतोष ना पता है किसी का खून कर दिया था, क्या कर दिया था सर? खून उन करके सर 2 साल जेल में सजा काटा, 2 साल जेल में था। कहाँ था सर? 2 साल जेल में। तुम समझ रहे, बहुत गंदा काम किया संतोष, किसी का खून किया, मर्डर किया, और मर्डर करने कितना साल जेल में था। लेकिन अपना संतोष बुद्धिमान बहुत है, क्या है सर? मैं बोले संतोष सुनना, तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं जानता हूँ तू खून वून किया था, ऐसे गलती हुआ, बट क्या तू मेरा पार्टनर बनेगा? संतोष बोला हाँ मैं पार्टनर बन जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहता हूँ। मैंने संतोष को पार्टनर बना लिया। क्या बना लिया? मैं था, सौरभ था, और अब हम लोग किसको पार्टनर बना लिए? तुमको क्या लगता है मैं दुनिया को बताऊंगा संतोष पार्टनर है? बताओ तो। नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? इमेज खराब होगा। अरे खूनी को पार्टनर बना लिया तुम लोग, इमेज खराब होगा। तो सुनो, जब पार्टनर्स कोई दूसरे पार्टनर को लेकर आते हैं जिसकी आइडेंटिटी का बाहर वालों को पता नहीं रहता है, बाहर वालों को नहीं बता सकते, तो वो जो पार्टनर घुसा है बेटा वो कौन सा पार्टनर है? सीक्रेट पार्टनर। वो सिर्फ पार्टनर्स को पता है और किसी को नहीं पता, तो वो कौन सा पार्टनर हो गया? नॉमिनल एकदम उल्टा था। नॉमिनल में तो तुम चाहता है कि बाहर वाले को पता चले। याद करो किसका एग्जांपल दिया था, तुम चाहता है कि बाहर वाले को पता चले कि अरुप्रय पार्टनर है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बट ये संतोष अपना गिरा हुआ इंसान है, वो खून करके आया किसी का, तो संतोष का पता नहीं चलना चाहिए, बट हम लोग उसको रख रहे हैं क्योंकि उसके पास क्या है बेटा? बुद्धि है, कैपिटल भी हो सकता है। तो जो पार्टनर का अंदाजा बाहर वालों को नहीं है वो कौन सा पार्टनर है? सीक्रेट पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सीक्रेट पार्टनर के बारे में किसको नहीं पता सर? बाहर वालों को नहीं पता रहता है, खाली किसको पता रहता है? पार्टनर्स को। डेट पार्टनर कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। क्लियर हो गया? कितना पार्टनर हो गया सर? 7 पार्टनर हो गया। कितना पार्टनर हो गया? एक और लिखो बेटा, इनकमिंग पार्टनर। क्या बोला? और एक 9 लिख लो, आउटगोइंग पार्टनर। ये दोनों एक साथ समझा दूंगा 40 सेकंड में। इनकमिंग और आउटगोइंग। क्या बोला सर? इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर लिख लो फटाफट। इनकमिंग और आउटगोइंग। मैं और सौरभ पार्टनर है, मैं और सौरभ पार्टनर है, और मान लो हमने रेहान को ले लिया, रेहान आ जाओ तुम भी आ जाओ, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। मैं और सौरभ पार्टनर थे, कोई नया पार्टनर आ रहा है, बोला आ जाओ आ जाओ, तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कौन सा पार्टनर हो गया? क्लियर हो गया?
जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसको कौन सा पार्टनर बोलते हैं? चलो उसके बाद मान लो मैं सौरव और रेहान पार्टनर है, सौरव जा रहा है जा रहा है जा रहा, उसको करने का मन, वो कौन सा पार्टनर हो गया? तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है आउटगोइंग, जब कोई पार्टनर आता है वो कौन सा पार्टनर हो गया? इनकमिंग। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इट इज इनकमिंग, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स इट इज कॉल्ड आउटगोइंग। इनकमिंग में एडमिट होता है, आउटगोइंग में रिटायर हो जाता है। याद रहेगा इनकमिंग आना, आउटगोइंग जाना, कॉल नहीं है, पार्टनर का इनकमिंग आउटगोइंग है, समझा? कॉल का भी इनकमिंग आउटगोइंग होता है तो, बट यहाँ पे पार्टनर का आना जाना है, क्लियर? जब एक नया पार्टनर आएगा इनकमिंग, जब कोई पुराना पार्टनर चला जाएगा वो आउटगोइंग। समझा मेरा बात? कितना हो गया सर? 9 पार्टनर। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है? काफी है 9। किसी को 9 का 9 नाम याद है क्या सर? किसी को 9 का 9 नाम याद है क्या? किसी को याद है? एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, देखो मैं भी बुक नहीं देख रहा हूं, एक्टिव, वर्किंग, स्लीपिंग, नॉमिनल, उसके बाद ठीक है लाइन से चलते हैं ना। नॉमिनल के बाद मैंने बोला सर तुम लोग कुछ याद है, बोल सकते पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट, यस और नो? उसके बाद जो सीक्रेट बोला वो, फिर माइनर बोला, फिर इनकमिंग बोला और फिर आउटगोइंग, हो गया 9, कुछ नहीं छूटा, समझा? ये 9 तरह का पार्टनर होता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से भी आता है और टाइप ऑफ पार्टनर से भी आता है, इसलिए मैंने पूरे इनडेप्थ समझाया, क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, क्या फायदा होता है पार्टनरशिप बिजनेस से? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है? पार्टनरशिप बिजनेस से बेटा क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या लगता है पार्टनरशिप बिजनेस को बनाने में झमेला होता है या आसानी से फॉर्म हो जाता है? नहीं होता है, सबसे ज्यादा झमेला कंपनी में होता है, किसमें होता है? सोल प्रोवाइडर भी आसानी से फॉर्म होता है और पार्टनरशिप भी आसानी से फॉर्म हो जाता है, कोई झमेला? तो पहला पॉइंट, इजी टू फॉर्म, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं। तुम सोचो रजिस्ट्रेशन भी कराना कंपलसरी, अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो वो रजिस्टर्ड फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करा रहे हो कौन सा फॉर्म हो गया? तो तेरा मन रजिस्ट्रेशन भी मत कराओ, आसानी से फॉर्म हो जाएगा, इजी टू फॉर्म, कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं है। नंबर टू, लार्जर कैपिटल, सोल प्रोवाइडर में बेचारा कितना आदमी था, कितना पैसा लाएगा, 1 लाख 2 लाख, इसमें 10 आदमी है, 2, 10, 5, 15, 20 लाख ले आएगा ना, कैपिटल बढ़ गया ना घट गया? बढ़ गया। किससे ज्यादा हो गया? सोल प्रोवाइडरशिप से कैपिटल ज्यादा हो गया, क्योंकि पार्टनर एक नहीं है, अनेक है, मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है? 100, कम से कम कितना चाहिए? 2। ऐसे पूछता रहूंगा सवाल, याद रखना सबका मुंह चलना चाहिए। नंबर थ्री, डिविजन ऑफ रिस्क, डिविजन ऑफ रिस्क, मान लो ये दोनों याद है माइनर थी, मान लो एक बार मेजर है, बड़ी हो गई, क्या हो गई? अगर 30,000 का लॉस हुआ, अब तो सब बियर करेगा, मेरा अकेला का आएगा, 10,000 10,000 10,000 सब में बढ़ जाएगा, तो रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। अकेला पार्ट आदमी को तो रिस्क कब लेना पड़ता है, इसमें रिस्क क्या हो गया? बढ़ गया, अकेला का रिस्क नहीं रहा, हाँ प्रॉफिट भी बढ़ गया, मगर अच्छा हुआ ना कि लॉस भी कम हो गया, तो रिस्क क्या हो गया? बढ़ गया। एडवांटेज पड़ रहे तो रिस्क बेटा क्या हो गया? कम हो गया, लॉस जो है वो कम हो गया, बट गया, समझा? तीसरा पॉइंट, नंबर फोर लिखो बेटा, नंबर फोर लिखो फटाफट, नंबर फोर, नंबर फोर एक मन से लिखा रहा, इसमें नहीं दिख रहा मेरे को, लिखो मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी मतलब क्या होता है पता है? हम लोग सब पार्टनर है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किससे पूछ सकता हूँ? उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो बेचारा सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना आदमी है, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो किससे पूछेगा? अपना आत्मा से पूछेगा क्या? फंस गया बेचारा। लेकिन पार्टनर्स में बेटा एक आदमी नहीं है, बहुत आदमी है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एफिशिएंसी बहुत कम है, इसमें एफिशिएंसी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी। क्या बोलते सर? समझा मेरा बात? बिकॉज लिख लो इसके अंदर में, सिंस देयर आर मेनी पार्टनर्स द डिसीजन कैन बी टेकन बाय एवरीवन, द डिसीजन कैन बी टेकन बाय एवरीवन एंड हेंस एफिशिएंसी इंक्रीजेस, एंड हेंस एफिशिएंसी इंक्रीजेस, एंड हेंस एफिशिएंसी इंक्रीजेस। अच्छा इसमें था, इस पॉइंट का नाम था एफिशिएंट मैनेजमेंट, इस पॉइंट का नाम था इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट था इसमें, अभी देख रहा हूं, ठीक है। नंबर फाइव लिखो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बेटा जैसा मन चाहे बिजनेस को चेंज कर सकता है, यस और नो? पार्टनर्स अगर सब राजी है
तो बिजनेस को बढ़ाया भी जा सकता है, बिजनेस को कम भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत फ्लेक्सिबल है सोल प्रोप्राइटर, तो और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें किसी को पूछने का भी जरूरत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा पूछना पड़ता है मगर फ्लेक्सिबल है। समझा? सब पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली अग्री करते हैं तो बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो या फिर घटा भी सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? एंड एक लास्ट पॉइंट और लिख लो बेटा, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो जल्दी से, मेंटेनिंग सीक्रेसी। मेंटेनिंग सीक्रेसी, मेंटेनिंग सीक्रेसी मतलब क्या पता है? राज। जो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा वो खाली किसको पता होगा? खाली और खाली पार्टनर्स। पब्लिक को पता होगा? जनता को पता होगा? नहीं। कंपनी में ना, कंपनी में पता रहता है। रिलायंस का नाम सुने हो तो, तुम गूगल करो रिलायंस का प्रॉफिट आ जाएगा, गूगल करो टाटा का प्रॉफिट, घर जाके देखना आज टाटा का प्रॉफिट देखेगा कितना करोड़ मिलेगा, आ जाएगा। कंपनीज का प्रॉफिट सीक्रेट नहीं रहता, वो सबको पता। लेकिन बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में सीक्रेसी रहता है, जो खाली ओनर होता है ना उसी को पता है, और किसी को पता? तो यहाँ पे सीक्रेसी है खाली और खाली किसको पता है? पार्टनर्स को। यस और नो? ओनली द पार्टनर्स नो द सीक्रेट, ओनली द पार्टनर्स नो द सीक्रेट, राइट? जो सीक्रेट है बेटा वो खाली और खाली किसको पता है? पार्टनर को। ओनली द पार्टनर्स नो द सीक्रेट अबाउट द बिजनेस, अबाउट द बिजनेस। क्लियर? अबाउट द बिजनेस, खाली पार्टनर्स को ही सीक्रेट के बारे में पता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। क्या हो गया सर? एडवांटेज। क्लियर? सुनो, एक फोटो भी तुम लोग ले लोगे ग्रुप में, ये है डिसएडवांटेज। क्या है सर? इसको घर में अच्छा से पढ़ के आ जाओगे, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है, तुम लोगों हर पर्सन को 5-5 पॉइंट पढ़ लेना है खाली, हर पर्सन को। तुम्हारा मन, तुमको जो 5 पॉइंट अच्छा लगे, मैं फोटो अभी तुम लोगों को दे दे रहा हूँ, तुम लोग ग्रुप में डाल लेना। ठीक है? डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, आर यू गेटिंग? भैया ग्रुप में छोड़ दो, मैं तो टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, मैं डाल दूंगा। ठीक है, आज ही डाल दूंगा। डिसएडवांटेज ऑफ, तो ये 5 पॉइंट हर जन अपना मन से करेगा, यस और नो? इसको जो अच्छा लगे, और एक एक दो दो लाइन बोलना पड़ेगा उसमें, खाली पॉइंट नहीं बोलना, अंदर से भी बोलना पड़ेगा। मैंने लास्ट डे बोला था पॉइंट्स खाली लिखने से नहीं होगा, आपको अंदर से लर्न, आपका अगर इंग्लिश अच्छा है ना तो अपने वर्ड्स में फ्रेम करो, अदरवाइज बुक से या नोट से लर्न कर लो। समझा मेरा बात? तो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे कल फिर मिलेंगे इसी के साथ। ठीक है? समझा? एक मिनट बता रहा हूँ सर।